हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया एक ऐसी समस्या है जो आपको समाज के सामने हास्यास्पद बना देती है, हंसने का पात्र बना देती है, क्योंकि इस इनहेरिटेड समस्या में, ऑटोसोमल समस्या में, आपके मसल्स की ट्विचिंग होने लगती है और जो समाज है उसकी एक राय बनती, देखो ये नाच रहा है, ये फालतू में हंस रहा है, ये जो है वह झूम रहा है, ये रो रहा है, तो इस तरह का एक बात समाज के आती है और आप इससे थोड़ा फिर समाज में जाने से झिझकते हैं। तो आज हम बताएंगे इसी समस्या से निकालने के विषय में होम्योपैथी आपके लिए क्या कर सकती है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर रोमन खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हंटिंगटन्स डिजीज के विषय में। हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया एक साथियों यह इनहेरिटेड समस्या होती है, जेनेटिक दिक्कत होती है, लेकिन जिसको ये होती है उसको बहुत तकलीफ होती है। इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है पेशेंट में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो व्यक्ति मरीज इससे परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। आज हम आपको बताएंगे हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया को सही करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हंटिंगटन्स डिजीज होता क्या है। हंटिंगटन्स डिजीज इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज होता है जो किसी भी पेशेंट के 30 और 40 की उम्र में होता है। अगर यह 20 से पहले होता है तो उसको जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज कहते हैं। तो नॉर्मली 40 साल के बाद यह होता है जिसमें कि आपके नर्व सेल्स डैमेज होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं, और जब आपके नर्व सेल्स डीजेनरेट होने रहते लगते हैं तो आपको फंक्शनल मूवमेंट का साइकेट्रिक या मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं साथियों हंटिंगटन डिजीज के सिम्टम्स की। हंटिंगटन डिजीज के सिम्टम्स साथियों 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है मूवमेंट डिसऑर्डर। मूवमेंट डिसऑर्डर वो स्थिति होती है कि जब आपका मूवमेंट नहीं हो पाता है और आपकी जर्किंग शुरू हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, आईबॉल का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह जो आपका मस्कुलर मूवमेंट डिस्टर्ब होता है जो कि आपके मोशन मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यह मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जो कि हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया में जिसका कि इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्व के डीजेनरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा साथियों सिम्टम आता है जिसमें होता है कंजेस्टिव डिसऑर्डर। कंजेस्टिव डिसऑर्डर में साथियों साइकेट्रिक होता है, पेशेंट अपने टास्क पे फोकस नहीं कर पाता है, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है कि क्या कार्य उसे पहले करना है। तो इस तरह का जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है या कंजेस्टिव डिसऑर्डर में आता है जो कि हंटिंगटन डिजीज का एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम साथियों जो आता है वह होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर तब होता है जब व्यक्ति ग्रीफ में रहता है, हर समय दुख में रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ होते हुए वह परेशान रहता है। यह जो स्थिति होती है इसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर कहते हैं। यह भी एक सिम्टम है हंटिंगटन डिजीज का। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। हंटिंगटन डिजीज का कारण इनहेरिटेड जीन्स होता है, लेकिन इसकी खास बात यह कि सिंगल जीन इसमें सिंगल जीन का इनहेरिट होना भी, सिंगल डिफेक्टिव जीन का इनहेरिट होना भी हंटिंगटन डिजीज कॉज कर सकता है, यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं आती हैं हंटिंगटन डिजीज और कोरिया को सही करने की, लेकिन क्योंकि यह इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लीजिएगा। चलते साथी उस सफर पे जिस पे आपको बताते हैं हंटिंगटन डिजीज को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में आती है हंटिंगटन डिजीज को ठीक करने की वह है टेरेंटुला हिस्पैनिका। टेरेंटुला हिस्पैनिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दी जा सकती है जिसको कि इनवॉलेंट्री हैंड्स का मूवमेंट होता हो, हाथों का मूवमेंट, एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट होता हो और इनवॉलेंट्री जर्किंग और मूवमेंट होता हो। तो अगर यह दिक्कत है आपको और आपको हंटिंगटन डिजीज या कोरिया की शिकायत है,
आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करा है, तो टेरेंटुला हिस्पैनिका उसको ठीक करने की एक बहुत कारगर दवा हो सकती है। एक स्थिति साथी वहाँ आती है, वहाँ होती है मरीज में नर्वसनेस। साइकैट्रिक हंटिंगटन डिजीज कोरिया में एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है नर्वसनेस। तो अगर मरीज को नर्वसनेस आ रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लॉरोसिरेसस। लॉरोसिरेसस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं जिसको कि नर्वसनेस की स्टेट हो। यह दवा उस मरीज के नर्वसनेस को दूर करेगी और उसको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक साथ ही स्थिति आती है हंटिंगटन डिजीज या कोरिया में, जब आपकी फेशियल मसल्स का इन्वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। आपके हाथ पैरों में तो इन्वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, लेकिन विशेष तौर पे आपके फेशियल मसल्स में इन्वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। तो अगर यह स्थिति हो और आपको हंटिंगटन डिजीज या कोरिया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है माइगेल। आप माइगेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके हंटिंगटन डिजीज को ठीक करेगी और आपको जो फेस का इन्वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है इसमें लाभ देगी। एक स्थिति आती है हंटिंगटन डिजीज में साथियों की, मरीज को चक्कर आ रहा है। अगर वर्टाइगो की स्थिति है, चक्कर आने की स्थिति है और हंटिंगटन डिजीज है, कोरिया डायग्नोस हुआ है, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया के मरीज के चक्कर को, वर्टाइगो को रोक सकते हैं और उसको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है मरीज के सामने कि कभी उसको उसको चलने में वह लड़खड़ाने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज चलने में लड़खड़ाने लगे, तो इस चीज़ को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अगेरिकस मस्केरियस। अगेरिकस मस्केरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दी जा सकती है जो चलने पर थोड़ा लड़खड़ाता हो, वॉक ना प्रॉपर कर पाता, उसका गेट प्रॉपर ना हो। गेट मीन्स जो वॉकिंग का उसका रिदम होता है वो प्रॉपर ना हो और लड़खड़ाने की मरीज की एक सिम्टम हो। अगर यह बात है साथियों, तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एगेरिकस मस्केरिस। आप 30 पावर में 2-2 दिन में यह दवा देकर मरीज को आराम, सुकून और स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है हम लोग के समाज में, बुजुर्गों में, कि उनको हंटिंगटन डिजीज हो जाता है, उनके इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होता है और पैरालिसिस होने लगती है। तो अगर यह स्थिति हो, आपको हंटिंगटन डिजीज हो और आपके हाथ पैरों में नमनेस आ गई हो और पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इवेना सटाइवा। इवेना सटाइवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं जिनको कि हंटिंगटन डिजीज है। एक स्थिति आती है साथियों की, किसी मरीज को फेस और हाथ में इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि मसल ट्विचिंग हो रही हो आपके फेस में और आपके हाथ में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिना। आप सिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और आपकी फेस और आपके हाथों की जो ट्विचिंग है, अपर लिम्स की जो ट्विचिंग है, उसको ख़त्म करेगी। एक सिम्टम साथियों आता है, मरीज में खून की बहुत कमी है और उसको हंटिंगटन डिजीज है। तो अगर मरीज को खून की बहुत कमी हुआ, अनिमिक है या ब्लड लॉस हो गया है, तो उस स्थिति में हंटिंगटन डिजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है फेरम आर्सनिकम। फेरम आर्सनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप अनीमिया के मरीज को, लेस हीमोग्लोबिन के मरीज को, लॉस ऑफ ब्लड के मरीज को हंटिंगटन डिजीज कोरिया की स्थिति में लाभ दे सकते हैं। एक साथियों सिम्टम आ सकता है किसी मरीज में हंटिंगटन डिजीज के कि उसके राइट साइडेड तकलीफें हैं। अगर राइट साइडेड तकलीफें हैं साथियों, यानी फेस के राइट साइड में तकलीफ है, हाथ में राइट साइड में तकलीफ है, पैर में राइट साइड में तकलीफ है, तो इस स्थिति में हंटिंगटन डिजीज या कोरिया में मरीज को लाभ देने की बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम हेनिमनाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी राइट साइडेड कंप्लेंट, जिसमें कि आपके फेस, हाथ और पैर की मसल ट्विचिंग की शिकायत है और आपको हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया है, उस स्थिति में स्वास्थ्य लाभ देगी और मरीज को सुकून देगी। यदि साथियों आपको लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट है, यानी आपके फेस के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट पैर में आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, हंटिंगटन डिजीज कोरिया की शिकायत है, तो उस स्थिति में आप बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती क्यूप्रम मिटैलिकम।
कि उपरा मेटेलिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर आप शरीर के लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स को, लेफ्ट साइडेड यहाँ जो ट्विचिंग हो रही है इसको रोक के मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज के रोने और हंसने में एक ऑल्टरनेशन होता है, कभी वो रोता है कभी वो हंसता है। तो अगर आपको साइकेट्रिक हंटिंगटन डिजीज है और यह सिम्टम है तो बहुत कारगर दवा है ऐसे मरीज के लिए थेस्पियम। थेस्पियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दे के मरीज इस सिम्टम में लाभ पा सकता है। और यह जो अल्टरनेट वीपिंग डिस्पोजिशन है, अल्टरनेट वीपिंग एंड लाफिंग डिस्पोजिशन है, इसको ठीक कर सकता है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज जब सोता है तो उसके इनवॉलेंट्री ट्विचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अगर यह स्थिति हो, मरीज जब सोता हो और उसको इनवॉलेंट्री ट्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मैग्नीजिया फॉस। आप मैग्नीजिया फॉस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको सोने के बाद तकलीफ होती है। मैग्नीजिया फॉस का 6x पावर दो गोली सुबह दो गोली शाम आधे कप पानी में आप दे सकते हैं। यह उसको सोने पे बढ़ने वाली तकलीफों को आराम देगी और उसके हंटिंगटन डिजीज और कोरिया को ठीक करने में मददगार होगी। एक साथियों सिम्टम मरीज में आता है कि उसके फेस में ट्विचिंग होती है खास तौर से सोने के बाद, और उसका बड़ा ही भयावह चेहरा बन जाता है। ऐसे हॉरिबल, ऐसे ज़्यादा भयावह वो अपने जेस्चर्स फेस के लाता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि सोने के बाद आपके बहुत ही बुरे चेहरे पे जेस्चर्स आ रहे हो, मरीज बना रहा हो, तो उस स्थिति में उस मरीज के लिए बहुत कारगर दवा है ठीक करने के लिए हंटिंगटन डिजीज़ को, विरेटम विरिडी। आप विरेटम विरिडी 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा उस मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी और स्वस्थ करेगी। एक साथियों स्थिति आती है जो कि साइकेट्रिक हंटिंगटन डिजीज की होती है कि पेशेंट अपने टॉपिक्स को बदलता है। एक टॉपिक पे बात कर रहा है तुरंत वो दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो गया। तो हंटिंगटन डिजीज कोरिया का या साइकेट्रिक एंगल हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटला नाइग्रा। पल्सेटला नाइग्रा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार, विशेषकर उन महिलाओं को जो प्यूबर्टी अटेन कर रहे हैं, जिनको मेनोपॉज हो गया है और फिर अपने वो चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं, मरीज को प्यास नहीं लगती है, मरीज को बंद कमरे में रहना नहीं पसंद होता और सांत्वना उसको आराम देती है, कंसोलेशन करती है उसका, तो अगर यह स्थितियाँ हों तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है पल्सेटला। आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार यह दवा देकर मरीज को हंटिंगटन डिजीज यानी कोरिया डिजीज में लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है हंटिंगटन डिजीज या कोरिया की स्थिति में कि मरीज कूदने लगता है, मरीज जो है वह कूदने लगता है, डांस करने लगता है, उसकी इतनी ट्विचिंग होती है कि वो जैसे सामने वाले को लगता है कि वह डांस कर रहा है या कूद रहा है। तो अगर यह स्थिति मरीज को हो साथियों तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है सिकेल कॉर्नेटम। सिकेल कॉर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। यह दवा मरीज को लाभ देगी, उसकी जो डांस करने वाला जेस्चर है या इस तरह के जेस्चर से उसको ख़त्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों हंटिंगटन डिजीज में आती है कि लगातार पैर हिलाते रहने वाली बात। हंटिंगटन डिजीज कोरिया का मरीज लगातार पैर हिलाता रहता है। तो अगर यह सिम्टम किसी मरीज में हो और उनको हंटिंगटन डिजीज या कोरिया हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को देकर उसको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को जब डर लगता है तो उसको कोरिया और हंटिंगटन्स डिजीज के सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। तो अगर यह दिक्कत हो कि आपको डर, फियर के कारण आपके हंटिंगटन डिजीज के सिम्टम्स एक्टिवेट हो रहे हों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कालीब्रोमेटम। आप कालीब्रोम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा जो डर के कारण, फ्राइट के कारण आपको जो तकलीफ हो रही है हंटिंगटन डिजीज की, उसको ख़त्म करेगी और आपके सिम्टम्स को ठीक करके आपको आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को बहुत कोई बुरी खबर लगी और उसके पूरे बॉडी में ट्विचिंग होने लगी। तो अगर यह सिम्टम हो कि बैड न्यूज़ के कारण आपके बॉडी में ट्विचिंग होने लगती हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा।
आप इग्निशिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कोरिया, हंटिंगसन डिजीज को ठीक करेगी और आपकी मसल ट्विचिंग को ख़त्म करेगी। जब आपके कोई बुरी खबर सुनने से, बैड न्यूज़ सुनने से आपको मसल ट्विचिंग का एग्रावेशन होता है। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज को अचानक रोना आना, अचानक हंसना, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। वो रोना नहीं चाहता, ना वो रो रहा होता है और ना वो हंस रहा होता है, लेकिन उसके जो फेस का जेस्चर बनता है वो हंसी वाला या रोने वाला बनता है। तो अगर इस तरह की स्थिति और हंटिंगसन डिजीज़ हो किसी मरीज को, तो उस स्थिति में उस मरीज के लिए बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर आप ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति साथियों कोरिया में आती है कि कभी कभी मरीज पैर रगड़ के चलता है। अगर ड्रैगिंग ऑफ फीट के साथ मरीज चल रहा हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्सफोमिका। नक्सफोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस हर मरीज को दे सकते हैं जो पैर रगड़ के चलता हो, जिसमें ड्रैगिंग ऑफ फीट का सिम्टम हो। यह दवा उसको स्वास्थ्य लाभ देके उसके हंटिंगसन डिजीज या कोरिया को ठीक करेगी। यह साथियों को दवाएं थी हंटिंगसन डिजीज की, बहुत कारगर दवाएं साथियों, क्योंकि यह एक इनहेरिटेड कंडीशन की लाइलाज बीमारी है, तो होम्योपैथी इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे साथियों, दवाएं आपकी जानकारी के लिए थी, आपको होम्योपैथी के करीब लाने के लिए थी। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपके सिम्टम भिन्न हो सकते हैं, आपकी दवाएं इससे अलग भी हो सकती हैं, इससे अलहदा भी हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे फ़ोन नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, एक रेयर बीमारी है हंटिंगसन डिजीज़, एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल बीमारी है हंटिंगटन डिजीज़ कोरिया। तो यदि आपको यह वीडियो इस बीमारी के लिए ठीक लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका इस रेयर बीमारी में हमारी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।